साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के मानने वाली और आदिवासी समाज की डिप्टी कलेक्टर ईशा बांगरे ने आज आपको बता दें कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बहुजन समाज की बेटी और आदिवासी समाज से आने वाली डिप्टी कलेक्टर ईशा बांगरे ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ईशा बांगरे ने इस्तीफा देते समय कई सारी बातें कही और उन्होंने आपको बता दें कि आरोप लगाया कि उन्हें उनके घर के अंदर आयोजित गृह प्रवेश के कार्यक्रम के अंदर भी नहीं जाने दिया। इसके अलावा भी अन्य कार्यक्रमों को लेकर उन्हें छुट्टी नहीं दी गई है, जिसके चलते वो आपको बता दें कि इस्तीफा देना चाहती है और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। हालांकि ईशा बांगरे वो आईपीएस अधिकारी है जो खुले मन से जय भीम के नारे लगाती थी और बाबा साहब अंबेडकर, बुद्ध और बिरसा मुंडे के जो आदर्श है, फेलोशिप है, उनके सिद्धांत है, उनको मानने का बात वो हमेशा कहती रहती थी। और आज इस मामले में इस्तीफा देने के बाद ईशा बांगरे ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुन। ये पत्र लिखा कि मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है और यहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियां आएंगी। हमारी सर्वधर्म की भावनाओं से एक सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से हम इसकी शुरुआत करेंगे। इससे मेरी पारिवारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैंने दोबारा अनुमति के लिए पत्र लिखा, लेकिन प्रशासन ने दो दिन के अंदर ही, एक दिन के अंदर ही मुझे अनुमति फिर ना देने का पत्र वापस 22 जून को लिखा कि आपको इस कार्यक्रम के, उक्त कार्यक्रम के किसी भी तरीके से इसमें उपस्थित होने की, सम्मिलित होने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है। जब पहली बार उन्होंने मुझे मना किया तो मैं यात्रा में शामिल नहीं हुई, जो हमारी सर्वधर्म संभाव यात्रा निकली थी उसमें मैं शामिल नहीं हुई, लेकिन स्वयं के मकान के उद्घाटन में अगर शासन प्रशासन आने से मना करे तो आप ये बताइए कि ये किस तरीके के अधिकार हमें मिले हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जिसका हनन यहाँ की प्रशासन, जिले की प्रशासन और शासन कर रही है, और इसी धार्मिक भावनाओं के आहत होने से, हमारे सर्वधर्म प्रार्थना को ना होने देने से, मुझे उसमें शामिल ना होने देने से, भगवान बुद्ध की अस्थियों को आने से रोकने से, उसके दर्शन ना करने देने की वजह से जो मेरी भावनाएँ आहत हुई है मेरे परिवार की, और अपने अधिकारों को मैं खुद नहीं प्राप्त कर सकती तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर किसी के लिए लड़ पाऊं, इसीलिए मजबूरी में मुझे ये इस्तीफा देना पड़ रहा है। बस नहीं जाऊंगी, शासन की अपनी मर्जी है, इस्तीफा मंजूर करे ना करे, किसी की जरूरत नहीं है। ये मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है, हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं तो मैं भी करूंगी।